Hello students, now this is the last lecture on projectile motion. सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं, तो अभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट एचसी वर्मा के सम्स के लिए यूज करेंगे. इसमें जब एचसी वर्मा के सम्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के देखोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है इसमें. तो जेई और नीट में आप इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो, कैलकुलेशन थोड़े टीडियस है इसके, तो आप इसको उसको फास्ट तरीके से कर सकते हो, लॉग बुक से हेल्प से कर सकते हो. कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करो, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है, रादर देन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. आई होप आपने पहले के सारे वीडियो लेक्चर देखे तो ही आपको ये आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि इधर रैंडमली सम्स आने वाले, मिसलेनियस सम्स आने वाले एक साथ, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सम नंबर 33. ए बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. याद करो 60 डिग्री इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड सेकेंड रेंज. डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड है. हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1600. साइन 60 इज रूट 3 अपॉन 2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा अपॉन 20. ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 80 जा 4 1 जा 4 20 जा, तो ये आ गया 60 मीटर हाइट. बहुत इजी फॉर्मूला बेस सब, ठीक है. और सेकेंड अपने को रेंज फाइंड करना है. रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. देखो थीटा की वैल्यू 60 है, 2 इंटू 60 120 डिग्री होता है. तो यहाँ पे मेरा आप एडवाइस याद रखो, इस चीज को आप ऐसे लिखो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. फिर वो कंफ्यूजन रहता ना कि सर साइन 120 कैन ऑल, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय राइटिंग 2 साइन थीटा कॉस थीटा. चलो कर दे, यू का स्क्वायर दैट इज 1600, 2 इंटू साइन 30 इज रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 कॉस 60 इज हाफ और जी का वैल्यू 10 है. ये कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 80 जा, तो इसका आंसर आएगा 80 रूट 3 मीटर. सिंपल, तो बहुत इजी सम था, इजीली कर दिया हमने. नेक्स्ट सम देखते हैं, 34 सम. इन अ सॉसर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स अवे फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट. तो सोचो 10 फीट हाई गोल पोस्ट है, ओके, 10 फीट हाई गोल पोस्ट है, और यहां से 40 यार्ड्स दूर. तो चलो पहला कन्वर्जन बता देते हैं. ये सब सारी चीजें आप याद रखो जो मैं आपको बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि भाई 1 यार्ड किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 3 फीट. तो ये हो जाएगा 120 फीट. कन्वर्जन याद रखोगे, ठीक है, ये कन्वर्जन आप याद रखो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखो कि भाई 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, तो 120 फीट हो जाएगा. तो 150 फीट पे एक बॉल रखा है, फुटबॉल रखा है, सिंपल है. तो फुटबॉल सेंटर पे रखा हुआ है 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट. सो दिस इज अ गोल पोस्ट, ठीक है. अ गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट द स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड. तो फुटबॉल को 64 फीट पर सेकेंड के स्पीड से फेंका, ये यू हो गया. At an angle 45 degree with the horizontal, with the ground. तो क्या ये बॉल रीच करेगा गोल पोस्ट को? अभी सवाल ये है कि बॉल को ये रेंज तो बनाना ही है जो कि 120 फीट है. ये अपन मान के चलते कि चलो कि इसने 120 फीट बनाया, ये रेंज बनाई. सवाल ये है कि ये उसके ऊपर से जाएगा
कि इधर जाके बराबर गोल पोस्ट पे जाके गोल होगा, ये अपने को देखना है। मतलब अल्टीमेटली वर्टिकली ये बॉल कहाँ जाके लग रहा है वो देखते हैं। अपने को पता है कि रेंज उसको 120 फीट ट्रेस करना ही है। बच्चों देखो, अपने को पता है कि 120 फीट दूर से अगर उसने बॉल को स्ट्राइक किया है 64 फीट पर सेकेंड से, तो वो जाके 120 फीट तो बनाना ही चाहिए, तो कम से कम वो उधर तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ये 120 फीट बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो मेथड टू लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन से सॉल्व करते। पहले हॉरिजॉन्टल मोशन से सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अभी स्टार्टिंग लेक्चर से ही बता रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, सो वी रिमूव इट। तो बच गया ये, कितना डिस्टेंस बनाना है 120 फीट, बराबर है। कौन से स्पीड से फेंका, 64 फीट पर सेकेंड, ये भी फीट पर और ये फीट पर सेकेंड, तो कोई टेंशन नहीं है। टाइम मुझे फाइंड करना है, तो टाइम आएगा 120 अपॉन 64। ट्राई टू कैलकुलेट दिस आंसर समवेयर अराउंड, इसका आएगा एक मिनट, अपन ने थोड़ा गलती कर दिया, ये थोड़ा रॉन्ग कर दिया अपन ने, रॉन्ग इसलिए कर दिया क्योंकि अपन ने ये वाला स्पीड लिया, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा है, आई एम वेरी सॉरी। तो ये डिस्टेंस जो है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है। ये कितना है बच्चा, दिस इज 120 फीट, और ये यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है ना, भूल गए अपन। ठीक है, अपन ने यू ले लिया जो कि गलत है, यू तो ये वाला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में तो कॉस का वैल्यू आएगा, तो 64 कॉस 45 इंटू टी। तो टाइम कितना आएगा बच्चों, टाइम विल बी 120 अपॉन 64 कॉस 45 1 बाय रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो 120 रूट 2 अपॉन 64, ट्राई टू सॉल्व इट, आंसर लगभग आएगा 2.65 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हमने कैलकुलेट किया कि ये बॉल इस गोल पोस्ट तक जो कि 120 फीट अवे है उसमें कितने टाइम में पहुंचता है, 2.65 सेकंड में पहुंच रहा है। अच्छा, फिर 2.65 सेकंड में ये बॉल गोल पोस्ट तक पहुंचा, अभी कौन से हाइट पे पहुंचा वो भी देख लेते हैं। अगर मेरा आंसर वर्टिकल डिस्टेंस का 10 फीट से ज्यादा हो गया, मतलब वो बॉल ऊपर से चला गया, मतलब गोल नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, गोल पोस्ट में मतलब गोल बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। सो फॉर दैट रीजन व्हाट आई विल फाइंड, वर्टिकल डिस्टेंस। तो अभी वर्टिकल मोशन लेते बच्चों, वर्टिकल मोशन में एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, चलो ये डिस्टेंस लगाते। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो बॉल बना रहा है उसको वाई ले लेते, जो मुझे फाइंड करना है। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी है 64 साइन 45। टाइम कितना लगा, 2.65। माइनस हाफ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो मैं और एक कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बताता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम जो हमेशा 9.8 लेते हैं वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर अभी फीट में चल रहा है तो प्लीज रिमेंबर इट इज 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद रखो, देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने जैसा है, ये फैक्ट लर्न कर दो इसको, ठीक है, कि भाई जी की वैल्यू फीट पर सेकेंड में कितनी है, 32.2 फीट पर सेकेंड। ये आपको पता चला 64 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 2.65, सॉरी ये जी का वैल्यू कितना आएगा, 32.2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 2.65 द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, सपोज मैंने ये कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 16.1 इंटू 2.65 द होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 7 फीट के आसपास आता है। ये आप करके देखो कि इसका आंसर 7 फीट के आसपास आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बॉल जाके बराबर 750 तक ऐसे टच कर रहे हैं, बस 7 फीट तक टच कर रहे हैं, इसका मतलब गोल होने वाला है। आंसर इज यस, इट विल रीच द गोल पोस्ट।
बहुत सिंपल वे में सॉल्व किया इसको, देखो कैसे सॉल्व किया। रेंज पता था तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचने को कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट किया, और उतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस बनाया वो कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत टीडियस है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम से, बट इट इज ओके, यू कैन रिमेम्बर इट। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट सम जो अपने पास है, बहुत अच्छा सम है, वेरी गुड सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत अच्छे से सुनना है इसको। देखो हमेशा जब मैं सम आपके सामने पुट करता हूं तो ये एचसी वर्मा के सम है, उसका नंबर एचसी वर्मा के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, तो आप सॉल्व करिए। बुक नहीं आपके पास तो पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन देखिए, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन यू सी कि एक्चुअल में कैसा था सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखो कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 11.7 फीट वाइड डिच, एक खड्डा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको खड्डा है यहाँ पे जो 11.5 फीट का एक खड्डा है। ओके और ये जो एंगल है वो 15 डिग्री है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना ये 15 डिग्री, तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ ना कहीं ये टीडियस हो जाएगा। ये 30 डिग्री दिया रहता है, 45 डिग्री दिया रहता है, तो अपने को वैल्यूज पता है। ठीक है, तो ये 15 डिग्री है तो नो डाउट अपन लॉग बुक से इसका वैल्यू ढूंढ के निकाल के लगा सकते हैं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो नाउ विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो 15 डिग्री से इंक्लाइंड है एक ऐसा रोड, तो ये रोड है ऐसा, ठीक है, जो 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद दी हॉरिजॉन्टल, तो ये थीटा, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। ओके, व्हाट मिनिमम शुड अ मोटरसाइकिल बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच। तो ये यहां से मोटरसाइकिल कौन से स्पीड से जाएगा, ये यहां से मोटरसाइकिल कौन से स्पीड से जाएगा ताकि वो ऐसे पूरा यहां पे लैंड अप करे बराबर। आप समझ रहे हो, मतलब यहां से उड़ के यहां पे लैंड अप सेफली करे, तो उसकी कितनी स्पीड चाहिए ये क्वेश्चन पूछा है। अज्यूम लेंथ ऑफ द बाइक एज 5 फीट एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट ऑफ रन्स आउट ऑफ द अप्रोच। मतलब अभी इसका सिंपल सा बोलने का मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा बड़ा डायग्राम करके बताऊं कि ये जो टायर है फर्स्ट अप, मतलब जो फ्रंट पार्ट वाला जो टायर है, ओके फ्रंट पर ऐसा देखिए, ये फ्रंट पार्ट वाला टायर जब बाहर निकला तब से मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और वो लैंड अप कैसे हो गया, जब उसका पीछे का पार्ट वाला जो टायर है वो इस तरफ रहेगा तो ही सेफली होगा ना। फ्रंट पार्ट वाला टायर से उसने जंप स्टार्ट किया, मतलब यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, और गिरा कैसे, सेफली गिरा है, मतलब लास्ट पार्ट का जो टायर है वो बराबर रोड को जस्ट टच हो गया तो सेफली पहुंचा वहां पे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा समझ लो कि ये लास्ट जो लास्ट टायर है, लास्ट पार्ट वाला टायर वो बराबर डिच के आगे रुक गया आके। ठीक है, मतलब यहां पे टच हो गया, अगर इसके पहले टच हो गया तो डिच में गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, सेफली क्रॉस करना है उसको डिच को, तो सेफली क्रॉस करना है तो ये सिचुएशन बनानी है। अभी सवाल ये उठता है कि भाई टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बनाया, चलो फाइंड कर लेते टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बनाया। सेफली क्रॉस करना है तो 11.7 का डिच प्लस ये इतना डिस्टेंस बना है, समझा, क्योंकि तूने काउंटिंग यहां से किया ना और यहां पे पहुंच गया, तो ये 11.7 प्लस 5, ओके ये किसका है, बाइक का लेंथ है, ये दोनों को कंसीडर करना है। बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं फिर आंसर रॉन्ग आने वाला है, कॉन्सेप्ट समझ के लो बहुत अच्छे से। यहां से उसने जंप करना स्टार्ट किया, मतलब यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ और यहां पे बंद हो गया, फिर इसके आगे वो चलना चालू कर दिया, तो वो जो जंप था, वो जो एयर में उसकी जंप थी, उसकी पोजीशन देखो क्या, तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस किया, तो जो डिच का वो तो डिस्टेंस को बनाना ही है प्लस बाइक की लेंथ, आप समझ रहे हो, तो 11.7 प्लस 5 तो इसका आंसर 16.7 फीट आएगा। सी इसको बहुत इजीली कर सकते बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नाउ दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होल्ड्स गुड फॉर ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये सेटिस्फाई करती है, इट इज राइट, तो उससे करके देखते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको करके देखते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या था, उससे यू कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां से इसने जंप मारा और यहां पे लैंड अप हुआ और ऐसा अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है तो ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा, वाई इज इक्वल टू
एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, दिस प्रोजेक्टाइल मोशन होल्ड गुड्स फॉर दिस, ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों, बराबर है। नाउ y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों y की वैल्यू है जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली उसने एक डिस्टेंस कवर किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही लिया है मैंने, तो वर्टिकल उसका गारंटेडली कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि है 16.7, tan 15 डिग्री जो कि थीटा की वैल्यू है विद द हॉरिजॉन्टल, माइनस जी 32.2 क्योंकि सारा फीट में आंसर है तो 32.2 लेने बोला मैंने, इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 16.7 द होल स्क्वायर अपॉन 2, ये फाइंड करना है कॉस स्क्वायर 15, इसको यहां लेके आओ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 32.2 इंटू 16.7 द होल स्क्वायर अपॉन बच्चों 2 यू स्क्वायर cos square 15 is equal to 16.7 into tan 45, एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो u square की वैल्यू क्या आएगी, उसको उधर लेके जाओ, u square की वैल्यू आएगी 32.2 into 16.7 a की बचा upon 2 into this is cos square 15 into tan, this is not 45, this is 50, tan 50, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई में कर सकते हो बहुत अच्छे से, ये स्टेप दर देख लो, ये आपका कैलकुलेशन काफी हद तक इजी कर देगा। देखो मैं इसको क्या करता हूं, tan 15 को मैं sin 15 अपॉन cos 15 लिखता हूं, तो उसमें से एक cos 15 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 sin 15 cos 15, है कि नहीं, समझा मैंने क्या किया, tan 15 को बच्चा मैंने sin 15 अपॉन cos 15 लिखा, तो उसमें से cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचा। अच्छा ये तो बाप रे, अभी ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो sin 2 थीटा की वैल्यू, तो sin 2 into 15 दैट इज sin 30, ये u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा 32.2 into 16.7 sin थीटा की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, इसे आप u थोड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग देखो 16.7 है, ऊपर जाएगा तो ये भी 32.2 और ये भी 32.2 और स्क्वायर है, तो इसका आंसर 32.2 ही आने वाला है ऑलमोस्ट फीट पर सेकेंड, ठीक है। ये मोशन अगर हो रहा है तो उसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये राइट रहेगा, ये परफेक्ट रहेगा, इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री से सॉल्व किया, आंसर 32.2 फीट पर सेकेंड के आसपास है। आई होप आपको ये समझा है मैंने कैसे किया है, ठीक है, सिंपल वे में कर सकते हैं, पोजीशन याद रखो बाइक का फिर, ओके। नेक्स्ट, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 फीट हाई has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. देखो बच्चा ये 171 feet पे एक बंदा खड़ा है और उससे 228 feet पे उसका friend खड़ा हुआ है, तो यहां पे एक बंदा खड़ा है इस height पे और उसका friend यहां पे खड़ा हुआ है 228 feet horizontally, ठीक है, समझा। ये person, a person standing on a top of a cliff 171 meter high, okay, has to throw a packet, अभी इसको एक packet फेंकना है उसके friend के इधर जो कि 228 feet away है, and now he throws the packet directly aiming in the at the friend, अभी उसने देखा कि भाई friend इस direction में खड़ा है, तो उस direction में उसने उस packet को फेंक दिया। देखो उस डायरेक्शन में उसने पैकेट को फेंक दिया, तो ये जो फेंका है वो 15 फीट पर सेकेंड के स्पीड से फेंका है, तो कहां जाके कितना पहले जाके, क्योंकि ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेस करेगा तो वो तो ऐसा उसके पास तो गिरने वाला है नहीं, कॉमन सेंस है, तो कहीं पहले आके गिरने वाला है,
तो वो बंदे से पहले कितना पहले ये आके गिरा, ये मुझे फाइंड करना है। समझा क्वेश्चन क्या है? कि उसने एम किया उस फ्रेंड के पास और वो एम पकड़ के उसने फेंका, तो उसको लगा कि ये ऐसे ट्रैवल करेगा, पर एक्चुअल में तो ये ऐसे ट्रैवल नहीं करने वाला है, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके कहीं पहले ही गिर जाएगा। तो ये फ्रेंड से वो कितना पहले गिरा ये मुझे फाइंड करना है। तो चलो इस डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं एक्स, तो ये एक्स मुझे फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको? सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ लेट अस से एंगल बनाया थीटा। थोड़ा साइन कन्वेंशन पे खेलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। ऊपर वाला चीज पॉजिटिव लेते हैं अपन, नीचे वाला चीज नेगेटिव लेते हैं, बराबर कि नहीं? अभी ये मोशन ऐसे हो रहा है, ये मोशन ऐसे हो रहा है, वो कहां जाके गिरा मुझे फाइंड करना है। चलो इसको थोड़ा एक अलग सिंबल देते हैं, एक्स डैश दिया मुझे, चलो एक्स डैश फाइंड करना है। अब मुझे बताओ मोशन ऐसे हो रहा है, इस मोशन के लिए अगर मैं लिखता हूं वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये परफेक्ट रहेगा, ये इट इज राइट, बिकॉज ये एक पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, एंड इट होल्ड गुड फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके पहले वाले सब में भी हमने देखा कि भाई ये बराबर जाके इधर गिर रहा है, मतलब ये बराबर है। अब मुझे बच्चों बताओ कि अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका क्या बोलते हैं कि कहां पे जाके गिरा, मतलब मुझे इस एक्स में इंटरेस्ट है, अल्टीमेटली आई एम इंटरेस्टेड इन एक्स, तो मुझे बाकी चीजें पता होनी चाहिए। तो y की वैल्यू -171 फीट है, माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है। थीटा, थीटा का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो बच्चों ये देखो ना, ये थीटा जो है वो एक्चुअली ये ग्राउंड है सोचो, और थीटा नीचे की तरफ बन रहा है, तो पहला तो समझो कि थीटा इज बिलो ग्राउंड। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसा ग्राउंड है ना, ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, ग्राउंड, तो थीटा ग्राउंड के नीचे, ये ग्राउंड ही रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल मतलब, तो थीटा नीचे बन रहा है, तो थीटा इज बिलो ग्राउंड, देयरफॉर थीटा इज नेगेटिव। पहला तो ये चीज आप समझ लो, इस चीज को दिमाग में फिट कर दो कि भाई थीटा नेगेटिव है। थीटा क्यों नेगेटिव है? क्योंकि थीटा ये ग्राउंड के नीचे। थीटा कैलकुलेट करना बहुत सिंपल काम है, कोई टेंशन नहीं है थीटा कैलकुलेट करने में बच्चों। पहला आप ये समझ लो कि थीटा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो ग्राउंड के नीचे। अभी ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, यू कैन सी वन ट्रायंगल फॉर्मिंग, है ना, जिसकी ये वाली वैल्यू अपने को पता है 28 फीट है और 171 है। तो अगर मैं टैन थीटा लगाता हूं, टैन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर कि नहीं? तो थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स ऑफ 171 अपॉन 228 जो कि लगभग 37 डिग्री के आसपास है, तो थीटा भी मैंने फाइंड कर लिया। पहला चीज तो मुझे वाई मालूम गिर गया, वो तो डायरेक्टली दिया था -171, माइनस क्यों लिखा बच्चा? क्योंकि वो नीचे की तरफ है। फिर मैंने ये थीटा कैलकुलेट किया, बहुत इजी है थीटा कैलकुलेट करना, बाय हाथ का खेल है, पर ये समझना कि थीटा इसमें क्या है, नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ ये सम में कुछ बचा ही नहीं, अपने को एक्स फाइंड करना है, सारे टर्म्स पता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने को। वाई की वैल्यू -171 इज इक्वल टू एक्स मुझे फाइंड करना है टैन ऑफ -37 डिग्री, माइनस जी की वैल्यू कितनी लेंगे बोलो, फीट में है 32.2, यस, इनटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे वो तो अपने को फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस, इसको अपन ने एक्स बोला हुआ है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, ओके, नाउ वी कैन राइट दिस एज 2, यू का स्क्वायर इज 15 स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर -37, तो -171 इज इक्वल टू माइनस टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, तो एक्स 37 डिग्री मतलब ये कितना आएगा 3/4, है ना, ये 3/4 मतलब 0.75, अभी ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके, अपन ने ऑलरेडी किया है 53 37 90 वाला ट्रायंगल, -32.5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 225 इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा,
कॉस 37 की वैल्यू है 4/5, ओके 4/5 मतलब कितना आता है 0.8 का स्क्वायर, बराबर है ना। इसको सिंपलीफाई करो, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा 171, ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, इज इक्वल टू माइनस 0.75x, और इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे ये जो टर्म मिला है उसको, तो इसका आंसर लगभग 0.1125x² आता है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनको यहाँ पे लेके जाओ तो 0.1125x² प्लस 0.75x माइनस 171 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी 35 फीट के आसपास, मतलब 35 फीट पे जाके गिरेगा। तो वो कितना पहले जाके गिरा उसके फ्रेम के, तो 228 माइनस 35 आप करोगे तो आंसर 193 फीट के आसपास आएगा, इसके इतना पहले जाके वो गिरेगा। दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। तो थोड़ा मुझे पता है कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर कॉन्सेप्चुअली आप समझो कि सम कैसे सॉल्व हुआ है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फिर एमसीक्यूज में तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है न्यूमेरिकल्स के वैल्यूज को लेकर एंड ऑल, तो आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा इसका कैलकुलेशन अपने को डिफिकल्ट जा सकता है, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। नाउ ये इतना सम पे अपन थोड़ा रुक जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट वीडियो में और एच सी वर्मा के सम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सम है तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, पहले ही आप पेन और पेपर पे पढ़ रहे हो तो उसका लेंथ छोटा करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके और आगे के सम स्कोर करता हूँ एच सी वर्मा के। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।